भव्य राम मंदिर के निर्माण का असर है कि सब लोग जय श्री राम करने को तैयार हो गए। इंडिया गठबंधन का किला ढह गया। नेता सम्राट चौधरी जी चुने गए हैं। अच्छा, हमारे नेता सम्राट चौधरी चुने गए हैं और विजय सिन्हा जी उप नेता और विधायक एनडीए दल के फिर हमारे नेता नीतीश कुमार चुने जाएंगे। एनडीए की बैठक अभी शुरू होने वाली है, जैसे ही बैठक समाप्त होगी आप सभी भाइयों की सरकार बनने जा रही है। गठबंधन में जो ब्रेक लग गया था, अब वो दुगनी रफ्तार से विकास का काम होगा। बिहार के हित में ये अच्छा कदम है। पहले तो जंगल राज था, आप देख रहे थे। अच्छा, डेढ़ साल जो जनता ने झेली है अब नहीं झेलेगी। आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ कमलेश, हमारे साथ बीजेपी के विधायक हैं। क्या कहेंगे सर, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। क्या प्लान चल रहा था, अचानक जो है सीएम नीतीश कुमार को लाना पड़ गया? सब पार्टी के आदेश है, हम लोग सब लोग खुश हैं। सीएम को लेकर के चर्चा है, कौन बनाया गया बैठक में? नेता सम्राट चौधरी जी चुने गए हैं। अच्छा, हमारे नेता सम्राट चौधरी चुने गए हैं और विजय सिन्हा जी उप नेता और विधायक एनडीए दल के फिर हमारे नेता नीतीश कुमार चुने जाएंगे। डिप्टी सीएम भी दोनों बनेंगे कि इस पे भी? अभी तक पार्टी निर्णय करेगी। विधायक दल के नेता चुने गए हैं और उप नेता चुने गए हैं और एनडीए विधानमंडल दल की बैठक होगी और उसके नेता चुने जाएंगे। खूब खुश हैं हम लोग। जय श्री राम का नारा लगे क्या? एकदम लग रहा है, जय श्री राम, जय सीताराम। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या लग रहा है, 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर के भी एक तरफ तैयारी चल रही थी और चर्चाएं हो रही थी कैसे जीतना है। नीतीश कुमार पूरा मजबूती हो गई, बहुत मजबूत नीतीश जी हमारे साथ शुरू से। भव्य राम मंदिर के निर्माण का असर है कि सब लोग जय श्री राम करने को तैयार हो गए। इंडिया गठबंधन का किला ढह गया, किला ढह दिए, इंडिया गठबंधन का किला ढह गया है। जय श्री राम हो रहा है, पूरा देश में जय श्री राम, बिहार में जय श्री राम बढ़ते चलो। बिहार में जय श्री राम हो रहा है, सभी राम भक्तों को खुशी हो रही है, खुशी हो रही है, सभी राम भक्त खुश है। जय श्री राम, किला ढह गया है। इंडिया को लेकर के आप क्या प्लान? 24 में 40-40 होना तय है। विपक्ष कहीं भी नजर नहीं आएगा, विपक्ष सफाया, पहले भी सफाया था, अभी भी सफाया हो जाए विपक्ष का। आपको मंत्रालय मिलेगा मैम? अभी एनडीए की बैठक, नई गठबंधन बनने से क्या? अभी एनडीए की बैठक शुरू होने जा रही है, सभी विधायक दल के जितने भी सदस्य हैं सब लोग वहां जा रहे हैं। निश्चित रूप से बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा आप सभी लोगों के लिए। एनडीए की बैठक अभी शुरू होने वाली है, जैसे ही बैठक समाप्त होगी आप सभी भाइयों की सरकार बनने जा रही है वो रखा जाए। गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे, नई गठबंधन अब बन गई है? एनडीए की बैठक एक बार हो जाने दीजिए, जैसा भी निर्णय लिया जाएगा आप सभी। एनडीए की बैठक हो जाने दीजिए, एनडीए की बैठक के बाद सभी मीडिया के भाइयों से बहनों से अभी कैसा लग रहा है सरकार? अभी तो हम एनडीए की बैठक में जा रहे हैं, आप पहुंचने दीजिए। नीतीश कुमार के एक नए मार्ग पहुंच गए, एनडीए की बैठक में अभी हम लोग जा रहे हैं। देखिए, जो पूर्व में एनडीए के नेतृत्व में जो बिहार वासियों के लिए, बिहार वासियों के हित में जो काम चल रहे थे वो दुगनी रफ्तार से चलेगा। बीच में जो ब्रेक लग गया था, अब वो दुगनी रफ्तार से विकास का काम होगा। बिहार के हित में ये अच्छा कदम है, अच्छा फैसला लिया गया है। नीतीश कुमार पे भरोसा है अब 25 तक के लिए? चलिए, राजनीतिक संभावनाओं का खेल। अच्छा, और 24 को लेकर के क्या प्लान तैयार किए आप लोग, जो है जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार? विधायक जी, बेगूसराय से कौन कौन मंत्री बन रहा है अभी? तो आगे देखिए, देखिए संगठन जी क्या कहेंगे सर? हम स्वागत करते हैं पार्टी के फैसले का, निर्णय का स्वागत हमने किया है जाकर के। और माननीय नेता चुने गए हैं, सम्राट चौधरी उपनेता विजय सिन्हा चुने गए हैं, वो स्वागत हम करते हैं। मंत्री कौन होंगे? सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री। मैडम, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि राम राज आ गया, पहले क्या लग रहा है, कौन सा राज था? पहले तो जंगल राज था, आप देख रहे थे। अच्छा, डेढ़ साल जो जनता ने झेली है अब नहीं झेलेगी। क्या लग रहा है कि राम मंदिर बना, उसके बाद राम राज आने की? राम राज बना है, राम जी ने कहा है सबके मिल के जुल के आगे चलने की है और बिहार के आगे बढ़ाने की है। और गरीब हमारे जो पीछे जो छुटा हुआ है सबको लेकर आगे चलना है, इसीलिए आज बिहार में राम राज आ गया। तो सुन रहे थे तमाम बीजेपी के विधायक का क्या कुछ कहना था, वो अब एक अन्य मार्ग पहुंच चुके हैं और अब जो है सीधे अंदर जाएंगे। एनडीए की बैठक होगी, उसके बाद चर्चाएं होगी किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाए। लेकिन दो डिप्टी सीएम का ऐलान हो चुका है और बीजेपी की तरफ से जो बैठक की गई थी विधायक दल की, उसमें सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का नाम लिया गया था। वहीं पे जो है अब विधायक कह रही है कि पहले रावण राज था, अब राम राज आ गया है। वहीं 24 को लेकर के भी कहा है कि अब तो हम लोग तय है कि 40 में 40 लोकसभा सीट जीतेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।